वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब सियासी गलियारे में उथल पुथल। नमस्कार, मैं हूं जाड़ा, आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जदयू MLC की खुली चुनौती। कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने पर सियासी बहस शुरू हो गई है। जदयू के MLC गुलाम रसूल वलिया भी गुस्से में भड़क गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाले सवाल पर खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, कानून बनाने से जनसंख्या को काबू में नहीं लाया जा सकता। जदयू MLC गुलाम रसूल वलियावी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से कौन इसको डरा रहा है, यह पूरे देश में स्पष्ट है। जबकि जिन राज्यों में जिस समुदाय के या फिर जिस धर्म में शिक्षा का स्तर बढ़ा हुआ है, वहाँ खुद ही जनसंख्या नियंत्रण है। इसी को आधार मानते हुए बिहार के मुख्यमंत्री ने बच्चियों की शिक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो आज देश में एक मिसाल बनी हुई है। श्रेयसी सिंह ने अपनी ही पार्टी के मंत्री से सवाल पूछा, धान खरीद में क्यों नहीं दी जा रही पक्की रसीद। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने सदन में किसानों की धान खरीद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके जिले में किसानों को धान खरीद के लिए पक्की रसीद नहीं दी जा रही है, जिसके कारण किसानों को भुगतान कराने में वाद विवाद का सामना करना पड़ रहा है। वहीं श्रेयसी सिंह ने बातों का समर्थन करते हुए एक दूसरे सदस्य ने भी कहा कि सरकार कहती है कि 48 घंटे में किसान को धान खरीद का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सदन में बोले संसदीय कार्य मंत्री, किसी भी सदस्य के सम्मान को बट्टा नहीं लगने देंगे। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन की शुरुआत हंगामे के साथ शुरू हुई। महबूब आलम ने सदन में मंत्री मदन सहनी की आपत्तिजनक भाषण को लेकर सदन में माफी मांगने का मुद्दा उठाया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी दलों के साथ बैठक की गई है, जिसके बाद अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा। इस दौरान विपक्ष की तरफ से इस बात पर संसदीय कार्य मंत्री से इस बात का आश्वासन मांगा गया कि भविष्य में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए। दरोगा की हत्या पर बोले मंत्री विजेंद्र यादव, अमेरिका के सांसद पर भी होता है हमला और इंग्लैंड के जेल भी खाली नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी में शराब माफियाओं द्वारा दरोगा की हत्या के मामले में बिहार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नीतीश सरकार के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें इन हत्याओं से कोई असर नहीं पड़ रहा। बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने इस हत्या को मामूली करार देते हुए कहा कि ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण बिहार में अपराध चरम पर है, यह कहना गलत होगा। तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीट मिनिस्टर हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं चीट मिनिस्टर हैं। विधानसभा में बजट पर बहस, तेजस्वी ने सुनाई भैंस की कहानी। बिहार सरकार के बजट पर आज विधानसभा में चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बजट पर अपनी बात सदन में रख रहे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के बजट को छलावा करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार की तरफ से पेश किया गया बजट झुनझुना के अलावा और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर विधानसभा में आज एक भैंस की कहानी सुनाई।
घर से बाहर खेल रहा था 2 साल का मासूम, डंपर से कुचलकर हुई दर्दनाक। भोजपुर जिले के आरा से इस वक्त यह खबर सामने निकल कर आई है, जहां घर से बाहर खेल रहे 2 मासूम को डंपर ने कुचल दिया है। आनंद फानंद में बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना चरपोखड़ी थाना क्षेत्र के नगरी गांव का बताया जा रहा है। सदन में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं मंत्री, रामचंद्र पूर्वे की बात पर परिषद में हुए सब लूटपोट। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अक्सर तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव आसान के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन आज बिहार विधान परिषद में मंत्री विजेंद्र यादव के अंदाज ने विपक्षी को हंसने पर मजबूर कर दिया। दरअसल परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जवाब देते हुए मंत्री विजेंद्र यादव बार बार कहते थे कि वह पोल खोल देंगे। मंत्री जी का यह अंदाज विपक्षियों सदस्यों को बड़ा ही दिलचस्प लगा। मुखिया जी के चुनाव लड़ने पर रोक का मामला विधान पार्षद में उठा। विपक्ष ने सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। जल नल योजना में गड़बड़ी करने वाले मुखिया जी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने पर नीतीश सरकार ने फैसला सुनाया है कि गड़बड़ी करने वाले मुखिया जी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। यह मुद्दा आज बिहार विधान परिषद में पुरजोर तरीके से उठा है। दरअसल विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को आज परिषद में उठाया। कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेम चंद्र मिश्रा और आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय ने भी इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं, गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर गठिया पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात, होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस, मात्र 72 घंटे में असर शुरू, कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। आज की खबर में बस इतना ही, धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो GS न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।